तो हम यहां देख रहे थे क्या, वन डजन में कितना क्वांटिटी, 12। एक मोल में कितना आइटम होता है, 0 × 3 × 10^2 है, 23 एटम। इसको किस नाम से जानते हैं और रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जैसे हम एग्जाम्पल सा समझते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम। तो कितने का मास होता है, एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास होगा, यानी 6.023 × 10^23 एटम का मास है। समझ में आया क्या, जैसे हमने बोला इस क्लास का मास 500 kg है, तो 500 kg किसी एक स्टूडेंट का नहीं होगा, सबका मिला के होगा। समझ में आया क्या, अकेला होगा तो नीचे बैठ जाएगा वो। तो 16 ग्राम मास को क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन। एग्जाम्पल नंबर 2, ये मैं एग्जाम्पल पे समझा रहा हूं। 14 ग्राम मास कितने का होगा, एक मोल नाइट्रोजन का होगा, होगा ना। कितने एटम का मास होगा, 6.023 × 10^23। समझ में आ गया ना, लिखे गया। अब नेक्स्ट ध्यान देना, हमने बोला कि एक मोल ध्यान समझना, एक मोल ऑक्सीजन एटम है, एक मोल ऑक्सीजन एटम है और जिसका मास 16 ग्राम होता है। एक मोल ऑक्सीजन एटम है जिसका मास 16 ग्राम होता है। तो क्वेश्चन लिखना, क्योंकि हर लाइन में इक्वेशन बनेगा। राइट डाउन क्वेश्चन, वन मोल ऑक्सीजन मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम इज, मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम इज, मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम। देन फाइंड मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, देन फाइंड मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, देन फाइंड मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। हाँ, कैलकुलेशन नहीं करना है, ऐसी बताओ डायरेक्ट कितना आएगा, 16 upon Na आएगा ना। तो हम लिखेंगे सिंस 6.023 × 10^23 ऑक्सीजन एटम, सिंस देर फर को मैं था ना, नहीं आता तो आदत डाल लेना, बार बार वैसे यूज होगा। इक्वल टू 16 ग्राम, कितना का मास है 16 ग्राम, एवोगाड्रो नंबर का मास है, इतना एटम का मास है। अब हमसे क्या पूछा है, एक एटम का मास बताओ, क्या हो जाएगा 16 upon, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 upon Na, इतना ग्राम, इतना 16 upon Na ग्राम, मतलब है एक एटम का मास है। कितने एटम का मास है, एक एटम का मास। सोच सकते हो कितना कम है ये वैल्यू, ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो एक एटम का मास ऑक्सीजन का सोचो कितना कम है, -23 है, होगा ना। तो ये जो मास है इसको बोला जाता है एटम, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो आगे लिखना, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम,
मास ऑफ वन एटम इज नोन एज, मास ऑफ वन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना ए एम यू, कैपिटल में लिखना ए एम यू। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, हियर मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, हियर मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 अपॉन एन ए, 16 अपॉन एन ए, कितना का मास आ गया, एक एटम का आ गया। अब ध्यान देना, 16 अपॉन एन ए हमने लिखा, या हम इसको लिख सकते हैं 16 ए एम यू, जैसे हम लिखेंगे एम यू, ए एम यू, ये हमने लिखा ग्राम में और ये हमने लिखा 16 ए एम यू। इसका मतलब 1 अपॉन एन ए के बदले हम क्या लिख रहे हैं, ए एम यू लिख रहे हैं। ये कितना का मास है, एक एटम का मास, या तो ऐसे बोलो या तो ऐसे बोलो, जैसे ही बोलो बात है। देखिए 1 अपॉन एन ए के वैल्यू को क्या कर दिया गया, एम यू से बोल दिया गया, कि जब जब हम एम यू नाम लेंगे तो सोच लेना कि 1 अपॉन एन ए छुपा दिया गया है, या जब ए एम यू लिखना होगा तो ग्राम में जब तुम्हें लिखना होगा तो वो उसमें किसे डिवाइड मार दोगे, एन ए से, तो किस में चला आएगा, ग्राम में लिखना होगा तो इसमें डिवाइड कर दो किससे, एन ए से, तो किस में चला आएगा, ग्राम में, ग्राम अपॉन एन ए, ग्राम अपॉन एन ए को क्या बोल दिया गया, ए एम यू है। तो जब ए एम यू लिखेगा तो सोचना कि वो कितने का मास है, एक एटम का मास है, एक मोल एटम का मास नहीं है। इसको लिखो, लिख लिए, ये इंपॉर्टेंट है एम यू। अभी हमने एटम का बात किया, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का। तो ग्राम एटॉमिक मास जब दिया जाएगा तो क्या सोचोगे, एक मोल का। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम एटॉमिक मास मींस, ग्राम एटॉमिक मास मींस, ग्राम एटॉमिक मास मींस मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। जब एक मोल के लिए बोला जाएगा तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोला जाएगा, और जब एक एटम का बोला जाएगा तो, अब अगर हमने दो वर्ड लिखा 16 ग्राम और 16 एमयू, क्या डिफरेंस है दोनों में, लिखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 16 ग्राम मास एंड 16 एमयू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, दोनों में क्या डिफरेंस है, 16 ग्राम मास और 16 एमयू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या डिफरेंस है दोनों में। 16 ग्राम जब तुमसे बोला जाएगा तो तुम कितने को बता रहे हो, एक मोल का मास बता रहे हो, यानी मास ऑफ
ऑक्सीजन मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर 16 ग्राम है तो सोच लेना है कि ये एक मोल ऑक्सीजन एटम का क्या है, मास है। यानी 16 ग्राम लिखते ही एक मोल को रिप्रेजेंट कर देगा वो, लेकिन मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर 16 mu लिखा है तो ये एक एटम ऑक्सीजन का बता रहा है। वन मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये एक एटम का मास है और ये एक मोल का मास है। समझ में आ गया? हमने इसको कैसे लिखा, यहीं से लिखा था हमने। कैसे? 16 ग्राम एक मोल का है अपॉन एन ए, तो ग्राम अपॉन एन ए को क्या लिख दिया था हमने, यानी ग्राम अपॉन एन ए में हर बार क्या छुपा रहेगा, एम यू में क्या छुपा रहेगा, ग्राम अपॉन एन ए। जब इसको इसमें बदलना होगा यही से बदलेंगे। समझ में आया है? ऐसे से मतलब है ना, एक एटम का मास एमयू में और एक मोल का मास ग्राम में। अब ग्राम को एमयू में जाना है तो ग्राम अपॉन एन ए का वैल्यू क्या होता है, एम। समझ में आया गया? इसको लिख लेना। तो एटम से ऐसा है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का। O2 का मास कितना होता है? O2 का O2 इज ए मॉलिक्यूल्स, O2 एटम नहीं है। ये लिखे क्या? समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना यार, बुक का जो भी डिफिनेशन हो सब बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले समझो टर्म को। अगर हम बात करें O2 का या N2 ले लो, चाहे O2 ही ले लो, O2, O2 का मास कितना है, 32 ग्राम तुम बोल रहे हो, तो कितने O2 का मास है, ये कितने कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, दो मॉलिक्यूल्स का मास है, कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, एक मॉलिक्यूल का है। कंटेनर में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, अब इसको तुम्हें एटम में नहीं चेंज करना है, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल्स है, तो कंटेनर में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, एटम में नहीं सोचना है, कंटेनर में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, अरे वो गाटर नंबर के बराबर होगा। कंटेनर में O2 कितना होगा, O नहीं, O2, कंटेनर में O2 कितना होगा, तो 32 ग्राम कितने का मास हुआ, एक मोल मॉलिक्यूल्स का, एक मोल एटम नहीं, एक मोल मॉलिक्यूल्स का, एक मोल। समझ में आया क्या, कोई डाउट है? तो 32 ग्राम जो मास है वो एक मोल मॉलिक्यूल्स का है। इसको लिखो पहले, और इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम। जब सब कुछ हम पढ़ लेंगे, चीजें समझ में आ जाएगी, तब हम डिफिनेशन पे आराम से जाएंगे, नहीं तो एक भी डिफिनेशन समझ में नहीं आएगा। तो 32 ग्राम अगर मास है तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास है, इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
अब लिखना, नेक्स्ट लिखना, कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल। अब ध्यान देना, क्वेश्चन है हमारा, हमने बोला कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 88 ग्राम CO2 है, 88 ग्राम CO2 है कंटेनर में। तो हमने बोला कि बताओ मोल में कितना है, मोल कितना है? मतलब जैसे हमने बोला कि हमने मार्केट से 24 एप्पल खरीद के लाया, तो हम बोले कि हमें 24 मत बोलो, डजन में बोलो, तो दो डजन होगा। तो हमने बोला कि 88 ग्राम CO2 है, तो मोल में कितना है? तो पहले हम इसका यूनिटरी मेथड से निकालते हैं, फिर फॉर्मूला बताते हैं, क्योंकि फॉर्मूला उसी से आता है। तो देखो पहले हम निकालेंगे ऐसे, पहले हम CO2 के बारे में क्या जानते हैं, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 44 होगा, होगा ना, 12 इसका और 32 इसका, 44 ग्राम कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, या एक कितने मोल का मास है, एक मोल का मास है, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स CO2 का मास कितना है, ये हम जानते हैं कि CO2 का मास 44 ग्राम होता है और उसमें कितना मोल होता है, एक मोल होता है। जब 44 में एक मोल होगा तो 88 में कितना मोल होगा, तो सिंस देयर फोर का मैथ बना सकते हैं, 88 ग्राम में कितना मोल होगा, तो 1/44 इंटू कितना आ गया, यानी 2 मोल होगा, होगा ना, यानी हम 88 ग्राम नहीं बोल के मोल निकालना होगा, तो हम यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। अब इसको मैं फॉर्मूला में बदल रहा हूं, मोल जब तुमसे पूछा जाएगा तो मोल इक्वल टू ये जो मास तुम जो ऊपर लिखे हो, ये मास गिवेन मास बोला जाता है, मतलब कितने मास में पूछ रहा है, तो दैट इज नोन एज गिवेन मास। जितना में पूछेगा उतना में हम बोलेंगे उसको गिवेन मास, और डिवाइडेड बाई ये 44 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, जिस एटम के लिए, जिस मॉलिक्यूल्स के लिए पूछेगा उसका हम मॉलिक्यूलर मास पुट करेंगे, तो नीचे हम पुट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो आगे से या तो तुम यूनिटरी मेथड से बना लेना, और नहीं तो नंबर ऑफ मोल अगर निकालने के लिए आएगा तो गिवन मास दिया जाएगा और मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर देना है, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। उस तरीके से अगर निकालेंगे तो गिवन मास कितना है और मॉलिक्यूलर मास कितना है, कितना आ गया। तो या तो यूनिटरी मेथड से निकालो, कोई फॉर्मूला नया डेराइव नहीं हुआ है, ये यूनिटरी मेथड को ही फॉर्मूला में कन्वर्ट किया गया है, समझ में आया क्या। तो जब आगे से तुमसे मोल निकालने के लिए बोला, बोले जाएगा, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, समझ में आ गया, ये लिखे। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोल, या यूनिटरी मेथड से बना लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड नंबर ऑफ मोल, मोल नहीं, मोल ढाई मोल भी हो सकता है, ढाई डजन होता है ना, 3.5 डजन आता है ना, वो एक डजन ये फ्रैक्शन में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्या बोला था,
फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 64 ग्राम ऑफ O2, 64 ग्राम ऑफ O2, 64 ग्राम ऑफ O2, फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 64 ग्राम ऑफ O2, कितना आएगा? 64 ग्राम ऑफ O2, कंटेनर में कितना ग्राम O2 है? मोल निकालना है। तो O2 के बारे में तुम क्या जानते हैं? कि 32 ग्राम में कितना उसका एक मोल होता है, 32 ग्राम में एक मोल होता है, तो 64 ग्राम में, या फॉर्मूला लगा दो, मोल इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास कितना है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, 16 मत बोल देना, मॉलिक्यूलर मास लेना है, एटॉमिक मास नहीं, कितना आ गया, लिख लो इसको, यानी हम ग्राम दिया जाएगा तो हम मोल में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, और धीरे धीरे यहीं से लेवल आगे लेके चले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये क्वेश्चन के थ्रू ही चलता चला जाएगा, 10-15 क्वेश्चन इसी के ऊपर जाएगा, अभी समझ में आ गया। अब जब ग्राम दिया जाएगा तो मोल निकाल लोगे, अब मोल दिया जाए तो ग्राम निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन ए कंटेनर ऑक्युपाइड 3 मोल ऑफ N2 गैस, ऑक्युपाइड 3 मोल ऑफ N2 गैस, 3 मोल ऑफ N2 गैस, 3 मोल ऑफ N2 गैस, 3 मोल ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ, सॉरी, फाइंड मास ऑफ N2 गैस, फाइंड मास ऑफ N2 गैस, N2 गैस कितना आ जाएगा, 28 ग्राम होगा, कितना होगा, चीज को समझो, मैं इस समय समझा रहा हूं, और इसीलिए बोलता हूं मैथमेटिकल दिमाग होना चाहिए, एक कण तुमसे बोला गया कि 3 दर्जन हमने पेन खरीद के लाया, तो बोलो कितना पेन लाया, 36 पेन लाया, तो वही तो बोला जा रहा है कि एक कंटेनर में 3 मोल N2 है, एक मोल नहीं है, 3 मोल है, और हम N2 के बारे में क्या जानते हैं कि N2 का 28 ग्राम मास होता है एक मोल में, और इसमें तो 3 मोल है, जैसे 1 डजन में 12 तो 3 में 36, 1 मोल में 28 तो 3 में, तो ये तो हमने यूनिटरी से समझ लिया, फॉर्मूला से देख लो, मोल इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास कितना दिया है, गिवन मास निकालना, अपॉन मोल कितना दिया है, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास, एक्स का वैल्यू, तो जब ये दिया जाता था तो तुम ये निकालते थे, और ये दिया जाएगा तो इसका मतलब 3 मोल हम नहीं बोल के, अगर बोले कि 84 ग्राम है तो बात एक ही है। क्या ही समझ लो, सगड़ा समझ लो कि नहीं समझ लो, समझ में आ गया ना, ऐसे पढ़ोगे तो लगेगा और बनाए क्वेश्चन, बुक का पढ़ोगे तो अब नहीं बनाए क्वेश्चन।
समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, धीरे धीरे आप क्वेश्चन में फंसाते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन ए कंटेनर इन ए कंटेनर इन ए कंटेनर लिख लिए, इन ए कंटेनर कंटेन 88 ग्राम ऑफ CO2 देन फाइंड पहला लिखना नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। सेकेंड लिखना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तीसरा लिखना नंबर ऑफ एटम ऑफ CO2। एक कंटेनर है उसमें 88 ग्राम CO2 है, तो बताना है कि कितना मोल CO2 है। दूसरा ये बताना है कितना मॉलिक्यूल्स है CO2 का, और तीसरा बताना है कितना एटम है CO2 का। सोच सोच के बनाओ। देखते हैं कि किसका तीनों सही होता है। बना बना के दिखाओ, आंसर नहीं बोलना। अरे समझ में है, कैसा फील हो रहा है? एक नहीं हो, एन ए से डिवाइड नहीं, दो मोल आएगा, 2 × NA मॉलिक्यूल्स। तो चलो कंटेनर में क्या दे रखा है, 88 ग्राम CO2 है। पहला क्वेश्चन मोल निकालना है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना होता है, कितना मोल आ गया। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं, CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मोल मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब है 2 NA मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब है 2 × इतना मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, समझ लगा। अब तीसरा नहीं समझ में, एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम है, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में समझाएं। हाँ, 3 है, एक में कितना एटम है,
वन मॉलिक्यूल्स में कितना एटम होगा? तो एन ए मॉलिक्यूल्स में एन ए मॉलिक्यूल्स बोले तो एक मोल में कितना एन ए एटम? तो नंबर ऑफ एटम एक मोल में थ्री एन ए, यहां पर कितना मोल है? तो टू मोल, और एक मोल में कितना? यानी सिक्स एन ए हुआ ना, और नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो, टू एन ए है ना, एक में कितना? तीन, तो टू एन ए में सिक्स एन ए। नहीं समझ में आया? एक आदमी के दो हाथ, दस आदमी के कितने हाथ? दस आदमी के, वही तो बात कर रहे, एक के पास कितना है? एक के पास